अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपके दुआ से हम सब भी बिल्कुल ठीक। गैस तो सुबह के 7 बज रहे हैं, हम लोग सो के उठ गए। अदीबा अभी सोई हुई है और शादिया आज जा रही है, तो वो लोग तैयार हो रही है जाने के लिए। 27 रोज़ा कंप्लीट हो गया, आज 28 रोज़ा है, तो 28 रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अम्मी सुबह सुबह बाबू को धूप लगा रही है। बाबू को धूप लगा रही है, धूप। शादिया जा रही है तो बाबू को लेकर बैठी हुई है। सादिया को बाबू को छोड़ के जाने का थोड़ा भी दिल नहीं है, लेकिन क्या करे, जाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पापा आ रहे हैं कोलकाता से। पापा इसके नहीं आते तो फिर रह जाती, लेकिन पापा इसके आ रहे हैं तो साथ में ही ईद मनाएगी सब। सुबह का नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत है। अम्मी बोली थी कि सादिया के पापा को कि यहाँ आ जाइए, यहाँ आकर फिर जाना है, लेकिन टाइम भी बहुत कम है, इसलिए इसके पापा बोले नहीं, यहाँ आऊँगा तो फिर जाने में दिक्कत हो जाएगा, आना जाना फिर हो जाएगा, इसीलिए नहीं आए। और इस बार सोनू भी वहीं रहेगा, अपने पापा के साथ ईद मनाएगा। वैसे तो हर साल यहीं ईद मनाता है, लेकिन इस बार बोल रहा है कि वहीं पापा के साथ ईद मनाएगा। ईद हो जाएगा फिर शाम में यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ भी उसको मन लगता है ज़्यादा, तो इसलिए बोला पहले वहाँ नमाज़ पढ़ लेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद शाम में यहाँ आ जाएंगे नानी के घर। अदीबा अभी सोई हुई है, वो जगाने की कोशिश बहुत की सादिया, लेकिन नहीं उठी है। साजिया भी गई थी तो अदीबा सोई ही थी, तो बाद में पता चला उसको कि साजिया चली गई है, और सादिया भी जा रही है तो अभी सोई हुई है, उठेगी फिर पता चलेगा कि सादिया भी चली गई है। साजिया चली गई तो साजिया को बहुत मिस कर रही थी अदीबा। सादिया चली गई, अब मैं जा रही हूँ किचन में। गैस तो किचन में आ गई हूँ, किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। गैस तो सारा काम हो गया, अब जा रही हूँ मार्केट। अदीबा का कपड़ा तो ले लिए, अब मेरा कपड़ा बचा हुआ है, तो मैं जा रही हूँ अपना कपड़ा लेने के लिए। अदीबा को लेकर नहीं जाऊँगी क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। गैस तो मैं मार्केट के लिए निकल रही हूँ, अदीबा को साथ में नहीं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो परेशान हो जाएगी, और बच्चा है तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगी, इसलिए अदीबा को लेकर नहीं जा रही हूँ। अम्मी मैं और छोटा भाई मेरा है, वो जा रहा है साथ में, तो भाई जो है कहीं और उसको जाना था, तो मैं यहीं पर ही उतर गई और मैं जा रही हूँ पैदल ही, अब आ गया है। गर्मी और इतना धूप तेज था, मार्केट से आई इतनी गर्मी ज़्यादा थी, इतना परेशान हो गई कि मैं सो गई। सोने के बाद उठी तो फिर नहाई, बाद देखे अदीबा आ गई बाहर, और इसको देखिए क्या काट लिया बाबू, गाय को मधुमक्खी काट लिया, और उस टाइम से परेशान हो रही है, रो रही है, उस टाइम से गोद में ही है, रो रही है, नीचे उतर ही नहीं रही है, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा, खेलेगी ना तो ठीक हो जाएगा, नीचे उतर कर खेलो। नहीं, हाँ नहीं होगा दर्द, ठीक हो जाएगी। बाबू हाय कर दीजिए तो। हाय। आजा 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 आजा।